राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कथा सरित सागर से चुनी हुई एक कहानी, तीन मछलियां। एक था घना वन, वहां मनुष्यों का नहीं पशुओं का राज था। वन के बीचों बीच एक तालाब था। उस तालाब का एक किनारा दूर बहने वाली नदी से मिला हुआ था और तालाब में थी ढेर सारी मछलियां। उन मछलियों में से तीन ज्यादा बड़ी थी। एक मछली का नाम था अनागत विधाता। उसका रंग सुनहरी था। दूसरी थी प्रत्युत्पन्न मती। उस मछली का रंग लाल था। और तीसरी मछली थी यद भविष्य, वो काले रंग की थी। तीनों मछलियों का स्वभाव अलग अलग था, फिर भी आपस में वो तीनों सहेलियां थी। अक्सर साथ साथ तैरती, साथ साथ बातें करती। एक बार मछुआरों का एक दल उस जंगल से गुजरा। ये रहा जाल, थक गया तो। तालाब के किनारे कैसी शीतल छाया देने वाले घने पेड़ हैं। कुछ देर यहीं आराम किया जाए। और उसकी देखा देखी बाकी मछुआरे भी तालाब के किनारे घने पेड़ों की छाया में विश्राम करने लगे। उसी समय लाल, सुनहरी और काली मछलियां तैरती हुई तट के पास चली आईं और तभी एक मछुआरे की नजर उन पर पड़ी। अरे ए, उठो उठो, अरे उठो, देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, रंगीन मछलियां। वाह, ये तालाब तो जैसे मछलियों का खजाना है, खजाना। अरे अभी तक सो रहा है, उठ। कितने आश्चर्य की बात है, हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। आज हमें इस तालाब में जाल डालना चाहिए, ढेर की ढेर मछलियां हाथ लगेंगी। ये बड़ी बड़ी मछलियां, रंगीन मछलियां। और बाकी मछुआरों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उन्होंने फैसला किया कि जल्दी ही वो जाल लेकर यहाँ आएंगे और मछलियाँ पकड़ेंगे। हाँ चलो भाइयों, आज तो चलते हैं, दो दिन बाद यहाँ फिर आएंगे। मछुआरों की बातें तीनों मछलियों ने सुन ली, क्योंकि वो तीनों किनारे के निकट ही तैर रही थी। सुनकर सुनहरी मछली बहुत परेशान हुई। उसने कहा, सुना तुमने, ये मछुआरे कैसी कैसी बातें कर रहे थे, मेरा मन तो तभी से कांप रहा है। हाँ मैंने भी सुनी है मछुआरों की बातें। हाँ हाँ मैंने भी सुनी है। सुनहरी मछली तीनों मछलियों से ज्यादा बुद्धिमती थी। वो हर बात गहराई से सोचती थी। अरे मछुआरों ने हमें देख लिया है, अब ये जरूर आएंगे और तालाब में जाल डालेंगे। और तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, मछुआरे बार बार आएंगे, तुम देख लेना, आखिर उनसे कब तक बचा जा सकेगा। दूरदर्शी सुनहरी मछली जितना सोचती उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती जाती। उसने दोनों सहेलियों को बुलाया। लाल और काली मछली आ गई। सुनहरी मछली ने उनसे कहा, ए सुनो,
अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, किसी और तालाब में ठिकाना खोजना होगा। लाल मछली ज्यादा दूरदर्शी नहीं थी, भविष्य की बातें सोच सोच कर ज्यादा परेशान नहीं होती थी। वो बोली, देखो बहन, मैं आने वाले कल के बारे में तुम्हारी जैसा नहीं सोचती हूँ। जब जैसी स्थिति होगी देख लूंगी, इस समय तो मछुआरे हैं नहीं। जो कल होने वाला है उसके बारे में आज ही क्यों परेशान हुआ जाए? काली मछली थी मूर्ख, वो कहने लगी, अब जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, तब फिर बेकार चिंता करने से क्या लाभ, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, सुनहरी मछली ने जान लिया कि उसकी दोनों सहेलियां खतरे को समझ नहीं रही थी। अब समय गंवाने से कोई लाभ नहीं था, इसलिए उसने एक योजना बना डाली। ओहो, अब क्या करूं? ये दोनों तो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। तो फिर अकेली ही चली जाती हूँ। ये तालाब आगे जाकर एक नदी से मिल जाता है, इसका मतलब मुझे उसी तरफ बढ़ना चाहिए। मछुआरे यहाँ आकर जाल डाल दें, इससे पहले ही निकल जाना चाहिए। सुनहरी मछली ने लाल और काली मछली को आखिरी बार समझाना चाहा। उसने कहा, तुम दोनों अब भी मेरी बात मान जाओ ना, मेरे साथ चलो। मैं तो आज रात ही ये तालाब छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि कल सुबह का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, लाल और काली मछली ने अब भी सुनहरी मछली की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, कहने लगी, देखो बहन, हमारा तो यही इसी तालाब में जन्म हुआ है, कोई अपना घर क्या इस तरह से छोड़ देता है जैसे कि तुम छोड़ रही हो। जाओ जाओ। सुनहरी मछली ने उदास भाव से अपनी दोनों नासमझ सखियों को देखा और फिर नदी की ओर तैर चली। उस समय रात का अंधेरा छाया हुआ था। तालाब के चारों ओर वन में जंगली पशुओं की डरावनी आवाजें रह रहकर गूंज उठती थी। सुनहरी मछली चुपचाप नदी की ओर तैरती जा रही थी। उसे भी अपना जन्म स्थान छोड़ने का बहुत दुख था, उसे भी बहुत प्यार था वहां से, लेकिन वो तैरती चली गई और तालाब से निकलकर नदी में जा पहुंची। दिनों का पक्षी जाग उठे। थोड़ी ही देर बाद मछुआरों की टोली जाल लिए आ पहुंची। लो बस, यही रख दो अपने जाल, आज अच्छा दिन उगा है हमारे लिए, नहीं? मछुआरों ने तुरंत सारे तालाब में जाल डाल दिए। तालाब में मौजूद दूसरी मछलियों के साथ लाल और काली मछलियां भी जाल में फंस गईं। लाल मछली अब पछता रही थी। काश
मैंने सुनहरी मछली की सलाह मान ली होती तो इस मुसीबत में कभी ना फंसती। पर खैर, अभी से हिम्मत छोड़ना ठीक नहीं, बचने का कोई ना कोई उपाय निकालना ही चाहिए। मछुआरों ने जाल बाहर निकाले और फंसी हुई मछलियों को इकट्ठा करने लगे। लाल मछली ने अपने को ऐसा दिखाया जैसे वो मर गई हो। अरे ये क्या, ये लाल मछली, अरे ये तो जाल में फंसते ही मर गई, इसे निकाल कर अलग रख देना चाहिए। अरे देख तो बाकी मछलियां कैसे तड़पड़ा रही हैं। लाल मछली तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। मछुआरे ने उसे जाल से निकालकर तालाब के किनारे पर डाल दिया। लाल मछली देखती रही और अनुमान लगाती रही। मछुआरे जाल समेटने में व्यस्त थे। अगर मैं ज्यादा जोर से उछलूं तो पानी में गिर सकती हूँ और फिर मछुआरों का ध्यान लाल मछली की तरफ नहीं था, वो तो सब अपने अपने काम में लगे हुए थे और लाल मछली को मरा मान बैठे थे। तभी लाल मछली जोर से उछली और पानी में जाकर गिरी। अरे अरे अरे, ये 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 लाल मछली, वो देखो, वो तो मरी हुई दिखाई दे रही थी, फिर उछलकर पानी में कैसे जा पड़ी? अरे देखो तो कैसी तेजी से तैरती जा रही है। अब क्या हाथ आएगी, बड़ी चालाक मछली थी। लाल मछली ने जाल में फंस जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और बुद्धिमानी दिखाकर बच निकली। अब इस तालाब में एक पल भी नहीं रुकूंगी। अगर सुनहरी मछली के साथ चली जाती तो इतनी तकलीफ कभी ना झेलनी पड़ती। चलती हूँ उसी के पास, शायद नदी में मिल जाएगी। इस तरह लाल मछली भी तालाब से निकलकर नदी में जा पहुंची। लेकिन बिचारी काली मछली, वो तो जाल में फंसी फंसी अपनी किस्मत का रोना ही रोती रही। सुनहरी मछली तो रात को ही चली गई, लाल मछली भी बच निकली, पर मैं अभागिन जाल में ही फंसी रह गई। शायद यही होना था मेरे साथ। हाँ, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। आंख मूंद कर भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली काली मछली जाल में फंसी हुई तड़प तड़प कर मर गई। उधर लाल मछली तालाब से निकलकर तैरती हुई नदी में जा पहुंची। वहां जाकर उसे सुनहरी मछली दिखाई दे गई। सुनहरी मछली ने उसे अपने पास बुला लिया। आओ बहन, आओ, आखिर आई गई ना। हाँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे साथ चलो। लाल मछली ने सुनहरी मछली को बता दिया कि वो कितनी मुश्किल से बचकर निकल पाई थी। अपनी तीसरी सहेली के बारे में सुनहरी मछली ने कुछ नहीं पूछा, भला पूछने और बताने को था ही क्या। उनकी एक सहेली अपनी बेवकूफी से अपनी जान खो बैठी थी। काश उसने भी कुछ सोचा होता तो। हाँ,
तीन मछलियां। कथा सरित सागर से चुनी हुई ये कहानी आप सुन रहे थे, जिसके रूपांतरकार थे देवेंद्र कुमार, भाग लेने वाले कलाकार एस.एम. जहीर, अरुण माथुर, ममता गुप्ता, पूनम माथुर और वंदना निगम, परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल.जी. सुमित्रा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम और प्रस्तुतकर्ता अजीत गुप्ता।